हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द टेस्टी बाइट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वॉच, लाइक एंड एंजॉय द रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और झटपट बनने वाली चिली की रेसिपी लेकर आई हूँ। हरे चने का चीला, इसे बिहार में, यूपी में और भी बहुत जगह इसे भबरी के नाम से जानते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक कटोरी हरा चना ले रही हूँ और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम चने के डूब जाने तक डालेंगे, जस्ट चना डूब जाए और उसके ऊपर तक पानी आए इतना पानी हम लेंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। और अगर आप इसे बॉईल कर रहे हो तो इतना ही बॉईल करें कि ये चने स्मैश ना हो। मैंने चने को 7 से 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है और अब मैं इसे एक छन्नी में डालकर छान लूंगी। और साथ ही साथ हम एक बॉल में आइस मिला हुआ वाटर रेडी रखेंगे और जैसे ही हम इसे छन्नी में डालेंगे उसके बाद वापस हम इसे आइस मिले हुए वाटर में डाल लेंगे। अगर आप तुरंत इसे एक ठंडे पानी में डाल लेते हैं तो इसका कलर बिल्कुल हरा ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठंडे पानी में हम इसे 1 से 2 मिनट तक रहने देंगे, उसके बाद छन्नी से छान लेंगे और फिर एक मिक्सिंग बॉल में हम इस चने को डाल रहे हैं और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 चम्मच चावल का आटा। टू टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून हम अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। और लगभग 1 पिंच बेकिंग सोडा, इसे भी डालकर हम मिला लेंगे। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स करेंगे। और इसे लगभग इस कंसिस्टेंसी तक हम पानी डालकर एक बैटर बना लेंगे। और अब मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और इसे हम आपस में मिला देंगे और इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारा बैटर रेस्ट करते हुए लगभग 25 मिनट्स हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बैटर थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप इसमें पानी डालकर अपने बैटर को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मिक्स होने के बाद अगर थोड़ी सी इसकी ग्रेवी सी आ रही है, इट मीन्स कि हमारा बैटर बिल्कुल ठीक है। तो आइए चीला बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक तवा गर्म कर लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। इस बैटर को तवे पर डालने के लिए हम एक सर्विंग स्पून या एक थोड़ा बड़ा चम्मच लेंगे और लगभग 1 से 1.5 स्पून हम बैटर को लेकर सावधानी पूर्वक एक ही जगह पर डालेंगे और चने को एक के ऊपर एक ओवरलिप ना रहने दें। चम्मच की हेल्प से उसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए बिल्कुल फ्लैट कर लें और बेसन के घोल को भी हम उसके ऊपर इतना डालेंगे कि सारे चने अच्छे से बाइंड कर लें। अगर ये अच्छे से बाइंड नहीं हुए तो जब आप पलटेंगे तो ये चने बिखर जाएंगे। और इसे लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सीख जाए। और इसके ऊपर हम 1 टीस्पून सरसों तेल डाल लेंगे और इसे सावधानी पूर्वक हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और जेंटली प्रेस करते हुए दूसरी साइड को भी हम अच्छी तरह से क्रिस्प होने देंगे। और इसी तरह आप इसे फ्लिप करते हुए दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्प पका ले।
और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए अगर आप करेंगे तो ये चीले बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हमारा ये चीला बिल्कुल रेडी है, आइए हम इसे निकाल लेते हैं। मैं आपको दूसरा चीला भी बनाकर दिखा रही हूँ। पहले हम ऑयल लेंगे और इसमें लगभग 1 से 1.5 स्पून मैंने बैटर डाला और इसे बिल्कुल चम्मच से फैलाते हुए सारे चने को बिल्कुल बराबर कर लिया है। और फिर इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और इसे सावधानी पूर्वक फ्लिप कर लेंगे और जेंटली प्रेस करते हुए दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे क्रिस्प कर लेंगे। और इसके फ्लेम को आप स्लो ही रखें, फ्लेम अगर आप तेज रखेंगे तो चने क्रिस्प नहीं होंगे और ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, तो फ्लेम हमेशा हम स्लो रखेंगे। हमारा चीला बनकर बिल्कुल रेडी है, आप देख रहे होंगे ये काफ़ी क्रिस्पी बनी है और देखने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। मैंने इसे धनिया पत्ती हरी मिर्च के साथ गार्निश कर सर्व किया है और इसके साथ हमने सॉस और हरी चटनी सर्व किया है। आप चाहें तो इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट के लिए, लंच बॉक्स के लिए या एज ए स्नैक्स बहुत अच्छी तरह से ये यूज़ होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।